Hey guys, welcome to Academy and welcome to this very special class on Legal Aptitude Principal Fact Based Questions Quiz. How are you guys doing? Kaise ho aap sab log? Welcome to the class guys and a very warm welcome to this very special quiz. This quiz is primarily going to be relevant for your other law entrance tests that are coming up and it will also be important for your CLAT examination. We'll start in a minute. All right, guys. चलिए तो शुरू करेंगे इस क्लास को. मेरा नाम दिव्य है. मेरा उसके अलावा जो जो इंट्रोडक्शन है वो सब आप लोगों को पता है तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं उसको, है ना. और साथ ही में आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल द क्लैट टॉपर्स. और अगले साल आपका यहाँ पे फोटो होना चाहिए, ये बात आपको याद है कि नहीं. साथ ही में सक्सेस एन एल यू बैच है विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लैट एंड आईएलटीएस 2024 और लॉ विस्तारा बैच है विच इज एन इंटेंसिव बैच फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें आपको एलसेट, एमएससीटी, क्यूसेट, प्यूसेट 23 की तैयारी करने को मिलेगा. All right, yes, let's begin with this class. Here we go. Here is the principle. ओके, इंटरेस्टिंग पैसेज. काफी लंबा सा क्वेश्चन आया है बट लेट्स नॉट गेट डेटेड बाय द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन. स्टिल ट्राई एंड अटेम्प्ट इट. अटेम्प्ट करने की डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे इसको. Good evening, good evening, good evening, guys. All right. सिर्फ छह लोग थे जिनका ये आंसर सही हुआ. कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं. दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें हमको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आई एम श्योर. लीगल प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉ अ पर्सन इज डीम्ड टू हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी व्हेन ही कंप्लीट्स द एज ऑफ 18 इयर्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ पर्सन वेयर अ गार्जियन ऑफ अ माइनर पर्सन और प्रॉपर्टी हैज बीन अपॉइंटेड अंडर द गार्जियन एंड वॉट्स एक्ट 1890 और वेयर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ अ माइनर property is assumed by a court of wards. इस पार्ट को पहले हम समझते हैं क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है कि हम इंडिया में एज ऑफ मेजोरिटी क्या मानते हैं, 18 साल मानते हैं. लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस ऐसे होते हैं जहां पे लोग 21 साल की उम्र में मेजोरिटी की एज को प्राप्त करते हैं. वो कौन सी सिचुएशन होती है? एक, जब आपको गावा एक्ट के तहत आपका कोई गार्जियन बनाओ, है ना, तो गावा के तहत आपका कोई गार्जियन बनाओ, या कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने आपकी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने की बात कही गई हो.
तो जनरली देखो इस पीछे इसके पीछे लॉजिक क्या था कि कई बार हमारे यहाँ 18 साल की उम्र में जनरली हम लोगों को मेजोर मान लेते थे, बट देर वर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन जो बहुत अमीर होते थे, उनके पेरेंट्स यूज टू पास अवे बिफोर द चिल्ड्रन वर एबल टू अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो कोर्ट या कोई गार्जियन उनके लिए अपॉइंट कर देते थे कि तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन तुम्हारी प्रॉपर्टी किस तरह से यूज करोगे ये तुमको पता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं तुम्हारे लिए एक गार्जियन दे देते। उस गार्जियन के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो आपको बताए कि किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी का यूज करोगे। तो ये गार्जियनशिप में दे देते थे। अब गार्जियन अगर बना दिया है तो हम बोलते थे कि 21 की उम्र हो जाने दो, क्योंकि इन लोगों के पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो 21 की उम्र में हम इनको मेजोरिटी की एज का मानेंगे। इंडियन लॉ ये बोलता है कि कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है, इसलिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ एंटर किया जाता है तो वो वॉइड अब इनिशियो होता है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले इंसान को पता था कि नहीं कि वो माइनर है या नहीं। मतलब अगर एक 17 साल का बच्चा किसी के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो सामने वाला ये नहीं कह सकता कि मुझे पता ही नहीं था कि वो 17 साल का है, मुझे तो लगा वो 18 साल का इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दर दो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि माइनर वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट करती है किसी और को टू गेट बाउंड टू द माइनर, है ना। मतलब इसका क्या हो गया, प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। इसका ये मतलब हो गया दोस्तों कि जो अदर पार्टी है वो फिर भी माइनर को लायबल, माइनर उसके प्रति क्या हो सकता है, उसको बाउंड कर सकता है, यानी कि वो माइनर के प्रति लायबल हो सकती है, उसमें कोई स्टॉप नहीं है। तो माइनर अपने फायदे का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बेसिकली। अच्छा, कितने बच्चे हैं इस क्लास में जो माइनर है? हाउ मेनी ऑफ यू आर माइनर इन दिस क्लास? है ना, तो आप लोगों के लिए लॉ बड़ा अच्छा है दोस्तों। आप सारे लोग क्या कर सकते हो, यू कैन मेक अदर्स बाउंड टू योरसेल्फ। आप किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड कर सकते हो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन आपका नुकसान हो जाए तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में बोल देना कि हम तो माइनर है, तो ये फायदा है आप लोगों का। ठीक है, फैक्ट क्या बोल रहा है, लाल ने एक प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट करा इन द फेवर ऑफ गुरुदत्त। तो एक गुरुदत्त करके इंसान था 16 साल का, है ना, उसके ये उसने एक प्रॉमिसरी नोट करा। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बेसिकली एक प्रॉमिस होती है कि मैं आपको इतनी तारीख को इतने पैसे अदा करूंगा, है ना। तो उसने क्या बोला कि जब आप 18 साल के हो जाओगे तब मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। अब गुरुदत्त जब 18 साल का हुआ तो उसने क्या करा, लाल के पास गया और बोला कि लाल लाल लाल, बोल रहे हाँ भाई क्या हुआ, क्या है तुम्हारे हाल? बोले कि मेरे हाल तो बड़े अच्छे हैं, तुम्हारे हाल बदहाल होने वाले हैं, क्योंकि लाओ 2 लाख रुपए की जरूरत है मुझे, अब तुम पैसे दे दो। गुरुदत्त बोल रहे हैं कि मैं क्यों दूं तुमको पैसे, तुम तो यार माइनर थे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड अब इनिशियो था। लेकिन लास्ट लाइन ने हमारे पूरी वक्त और जज्बात दोनों बदल दिए। क्यों? क्योंकि द लास्ट लाइन से दैट इट डज नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। तो प्रॉमिसरी नोट क्या हो गया, एक बेनिफिट हो गया माइनर के लिए, और वो माइनर एक्सेप्ट कर सकता है। आ गया समझ में? क्योंकि सिर्फ 6 लोगों का सही हुआ था, इट वॉज नॉट अ गुड स्कोर। तो अब मुझे आप लोगों से जानना है कि क्या आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए हो, या कोई डाउट है आप लोगों को? पक्का अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जयशिव नहीं आया? जयशिव व्हाट वाज द पार्ट जो नहीं समझ में आया? सिंपल है कि माइनर के साथ आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने गलती से कोई कांटेक्ट कर लिया है, जानबूझ के कोई कांटेक्ट कर लिया और उसमें माइनर का कोई फायदा है ना, तो माइनर उस फायदे को इन्फोर्स कर सकता है। तो अगर माइनर का कोई फायदा हो रहा है तो उस कांटेक्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं, ये बोला है इस प्रिंसिपल। ठीक है, अब समझ में आया? ओके ओके, तो ऐसा लगता है कई बार कि नहीं समझ में आया, बस हाँ करने के लिए ओके हो जाता है। सच में समझ में आया है कि नहीं ये बताओ यार। आ गया पक्का? यस, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोहिनी, देर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन। माइनर इनिशिएट करता है कॉन्टेक्ट तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हिमांश से लेकर के देव तक वेरी वेल डन, और सबसे अच्छा कर रहे हैं हिमांश, शिवानी, ज्योत्सना और जया। वेरी गुड गाइस, वेरी नाइस। लीगल प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? ओनरशिप इन प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट टू परचेज, राइट टू यूज, राइट टू एलियनेट एंड राइट टू एक्सक्लूड अदर्स। सेल इज कंप्लीट व्हेन प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर ऑन सेल। कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप में क्या क्या राइट्स होते हैं आपके पास? आपके पास होता है राइट टू परचेज, आप राइट को किसी भी चीज को परचेज कर सकते हो। आप राइट टू यूज, आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हो। आपके पास होता है राइट टू एलियनेट, आप किसी भी चीज में बोल सकते हो कि यार ये अब हम आपको यूज नहीं करने देंगे। राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, आप दूसरों को भगा सकते हो अपनी प्रॉपर्टी से। और सेल तब कंप्लीट होती है जब एक प्रॉपर्टी सेलर से बायर पे ट्रांसफर हो जाती है। अब ए ने अपने प्रॉपर्टी को बी को बेच दिया और उसके बाद बी ने रिक्वेस्ट करा ए को कि आप मेरे बिहाफ पर मेरी कार कुछ दिन के लिए रख लो। इसमें सेल कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी किसकी है? बी की है। और बी बोल रहा है कि मेरे बिहाफ पे आप रख लो। तो राइट टू यूज, राइट टू एलियनेट, राइट टू परचेस, राइट टू एक्सक्लूड, है ना, ये सारे राइट का एक्सरसाइज हो रहा है। आप राइट टू परचेस का एक्सरसाइज करके किसी और को राइट टू परचेस दे रहे हो, इसमें और कुछ नहीं हो रहा है। क्लियर है ये वाला भी? इज दिस ऑल्सो क्लियर टू यू? All right. All right, guys. Coming in a second. हिमांश, जया, ज्योत्सना, शिवानी, वेरी वेल डन, वेरी गुड गाइस, ऑल फोर ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आई वुड रियली लव टू सी टुवर्ड्स द एंड कि आपकी एक भी मिस्टेक आपने कमिट नहीं करी है चारों ने, है ना, तो होपफुली आप लोग उसको अचीव करोगे। लीगल प्रिंसिपल क्या बोलता है? वेर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो और टू प्रोवाइड ग्रेटुइटीली एंड सच अदर पर्सन टेक्स द बेनिफिट ऑफ दैट, द लेटर इज बाउंड टू कॉम्पनसेट द फॉर्मर फॉर समथिंग डन और थिंग प्रोवाइडेड or to restore the things so delivered. यहाँ पे सिंपल ये बोल रहे हैं, these are known as quasi contract.
इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं होता कि किसी ने ऑफर दिया, किसी ने एक्सेप्टेंस करा, वो नहीं होता है। क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट ऐसी रिलेशनशिप होती है विच आर इन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि अगर आप गलती से कुछ काम कर देते हो किसी के लिए जो कि आप उसको फ्री में नहीं करना चाहते थे, ग्रेटुइटसली का मतलब क्या होता है कि आप उसको एहसान के तौर पे करना चाहते थे, आप उसके लिए मदद के तौर पे करना चाहते थे, अब ये तो आप नहीं करना चाहते थे। इफ यू डिड नॉट वॉन्ट टू डू अ थिंग एज इंटेंडिंग इट टू बी ग्रेटुइटस टू द अदर पार्टी, इन दैट केस वॉट विल हैपन, इन दैट केस यू विल हैव टू रिटर्न द बेनिफिट दैट यू हैव ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट, है ना। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार क्या हुआ, एहसान हमारी क्लास में आया, उसने स्विगी से कुछ ऑर्डर करा, स्विगी वाले और उसका घर का नंबर क्या था, 113 था। अब 113 की जगह स्विगी वाला 112 पे चला गया, वहां पे उसे एक लड़का टहलता हुआ दिखा, उसने पूछा कि आप एहसान हो गया, तो उस लड़के का नाम एहसान नहीं था, उसने लिखा कि नहीं यार यहाँ पे कुछ खाना आया होगा, तो उसने बोला हाँ मैं एहसान हूँ, और उसने खाना खा लिया। अब अगर आपने इस तरह का कोई भी काम करा है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द अदर पार्टी विच इज ऑलरेडी पेड फॉर द थिंग दैट यू हैव कंज्यूम द मनी ओड टू दैट पर्टिकुलर स्विगी पर्सन। तो फैक्चुअल सिचुएशन क्या है, ट्रेडर ए ने कुछ ईटेबल बी के घर पे मिस्टेक से गलती से डिलीवर कर दी, बी ने क्या करा, कंज्यूम कर लिया वो ईटेबल, है ना, बिना पूछे। ठीक है, लेटर का मतलब होता है द सेकेंड पार्टी, ठीक है, द सेकेंड पार्टी। तो इसमें से क्या सही है, बी कैन बी मेड लायबल टू, नहीं, बी इज बाउंड टू पे ए फॉर द ईटेबल्स, बी को ए को पैसे देने ही पड़ेंगे, देर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पर क्या था, उसने गलती से करा था और ऐसा नहीं था कि उसने ग्रेटिट्यूड की भावना से इसको करा हो। ठीक है, आ गया समझ में, किसी को कोई डाउट है इसमें, डज एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नहीं है, आगे बढ़े। ओके देन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इसको तो लगभग सब लोगों ने सही करा, है ना। यस, हिमान, जोशना, जया, शिवानी, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। लीगल प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, लॉ डज नॉट पीनलाइज फॉर रॉन्ग्स विच आर ऑफ ट्रिवियल नेचर। तो अगर कुछ छोटी मोटी बातें हैं ना तो उसको लॉ इग्नोर कर देता है यार, आप छोटी मोटी बातों के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि यार अच्छा इतनी सी छोटी बात हो, है ना। तो अब एक बार क्या हुआ कि ए ने ऐसे ही अपनी फाइल को, थोड़े से पेपर को टेबल पे फेंका होगा, तो वो बी को लग गई जरा से। अब बी क्या कर सकता है, ए यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ट्रिवियल नेचर की है ना, तो ए इज नॉट लायबल फॉर दिस एक्शन एज इट वॉज ऑफ अ ट्रिवियल नेचर, क्योंकि ये बहुत ट्रिवियल चीज है, तो इसलिए ए यहाँ पर लायबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। आई डो नॉट थिंक इसमें हमको बहुत ज्यादा समझाना है, अगर किसी को डाउट हो तो बता दो, क्योंकि हम सीधे आगे बढ़ेंगे ना फिर। नेक्स्ट, ये वर्क मीन्स है, ट्रिवियल बहुत छोटा, इग्नोरेबल, जिसको इग्नोर किया जा सकता हो।
ओके ठीक है, हिमांश जया जोसना शिवानी, वेरी वेल डन, वेरी गुड। यस, कॉपीराइट लॉ क्या बोलता है कि इट प्रोटेक्ट्स ओनली वर्क, सिर्फ वर्क को वो प्रोटेक्ट करता है, और वर्क का मीनिंग क्या होता है, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, बट डज नॉट इंक्लूड परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, तो कॉपीराइट लॉ क्या करता है, वर्क को प्रोटेक्ट करता है, वर्क का मतलब फिल्म होती है, लेकिन फिल्म में जो एक्टिंग होती है वो वर्क में नहीं आती। अब इफ आलिया भट्ट एक्टेड इन अ मूवी, इट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज वर्क, इसको हम वर्क नहीं कर सकते, है ना, तो एक्टिंग ऑफ आलिया भट्ट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ। अच्छा, अगर ये एक्टिंग रणवीर कपूर की होती तो क्या हम उसको प्रोटेक्ट कर पाते, हम उसको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। ये एक्टिंग मेरी होती तो मुझे भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता, ऑलराइट, किसी को भी प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़े। ये अगेन मीन्स है। अच्छा, जो सुना, और ऐसा क्यों है? जोत्सना शिवानी, वेरी वेल डन, सिर्फ दो लोग बचे हैं, हिमांश मोहिनी जया देव यूजर अनुभव, वेरी गुड। तो जोत्सना शिवानी टॉप कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास और भी लोग यहाँ पर है। ऑलराइट, पोल ही नहीं आया, अरे जया ऐसा थोड़ी होता है, पोल नहीं आया ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। ठीक है, अब हो सकता है नहीं आया, आई एम ट्रस्टिंग यू, बट एट द सेम टाइम अब नहीं आया तो नहीं है। लीगल प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, इंपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, इंपोर्ट का मीनिंग होता है कि किसी भी कंसाइनमेंट को इंडिया में लेकर के आना फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में से किसी भी कंसाइनमेंट को इंडिया में लेकर के आते हो, उसका हम उसको क्या बोलने लगते हैं, उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे फैक्चुअल सिचुएशन क्या बोल रही है कि श्रीलंका से कंसाइनमेंट भारत के टेरिटोरियल वाटर्स में आए, है ना, लेकिन ये कंसाइनमेंट ने ना तो कभी इंडिया का कस्टम बैरियर क्रॉस करा, ना इसको भारत में व्यापार के लिए यूज किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये भारत में आया, क्योंकि अगर ये भारत में आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे कि इंपोर्ट हो गया। देखो, भारत का मतलब क्या होता है, भारत का मतलब भारत की पूरी लैंड होती है, साथ ही में इट ऑल्सो मीन्स द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो हमारी जो भी बाउंड्री है ना, उसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है। ठीक है, और ये 12 नॉटिकल माइल तक जो टेरिटोरियल वाटर होता है, इसमें अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है तो वो क्या माना जाएगा, इट विल बी कंस्ट्रूड कि ये भारत में आ गया है और ये भारत का टेरिटोरियल वाटर है। उसी तरह टिल द स्ट्रेटोस्फीयर, हम इसको ये मानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर तक कोई भी अगर आता है तो वो भारत की एयर स्पेस में आ गया। तो देयर इज अ वाटर स्पेस दैट इंडिया हैज एंड देयर इज अ एयर स्पेस दैट इंडिया हैज। सो द कंसाइनमेंट वॉज इम्पोर्टेड इन टू इंडिया, है ना, इट वॉज इम्पोर्टेड इन टू इंडिया, ऐसा नहीं था कि इसको इंपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पर हमने किस किस चीजों के बारे में देखा है, वी हैव सीन अबाउट टेरिटोरियल वाटर्स, है ना, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कंटिजुअस जोन, देन ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड लास्टली फिर क्या होता है, हाई सीज होती है। ये कितने लोगों को याद है, और जैसे जैसे जितना दूर हम जाते जाएंगे उतने हमारे राइट्स कम होते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे राइट्स क्या होते जाएंगे शिवानी,
यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर में सारे राइट है, कंटीजियस जोन में भी लगभग सारे राइट है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी को आने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम क्या होता है, देखो इसके राइट्स मैं आपको बताता हूँ। टेरिटोरियल वाटर में आपके पास कौन कौन से राइट होते हैं? एक आपके पास होते हैं इकोनॉमिक राइट कि यहाँ पे कोई भी मिनरल मिलता है तो वो आपका होगा, अगर किसी को कुछ खुदाई उदाई करनी है तो आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही में यहाँ पर आपको मिलते हैं पॉलिटिकल राइट्स कि कोई भी अगर यहाँ पे आता है तो वो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर क्या होता है, आपकी सिक्योरिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि 12 नॉटिकल माइल माना जाता है कि भारत के बहुत ज्यादा पास है ना। दिस कम्स अंडर विच टॉपिक, दिस इज जनरल करंट अफेयर है ना। यस, अब जो कंटीजियस जोन होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, हमको इकोनॉमिक राइट तो मिलते हैं, वी गेट इकोनॉमिक राइट है ना, लेकिन पॉलिटिकल और सिक्योरिटी राइट पूरे नहीं मिलते। सिक्योरिटी राइट में ये होता है कि हर कंट्री आपके कंटीजियस जोन से होकर के निकल सकती है, मतलब अगर किसी और का शिप है तो वो निकल सकती है, लेकिन किसी का भी अगर वॉरशिप आ रहा है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी इंडिया से। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, इंडिया को बताना होगा कि हमारा वॉरशिप आपके यहाँ से जाएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिक राइट्स मिलते हैं, यू ओनली गेट इकोनॉमिक राइट्स। उसके अलावा जो राइट होते हैं कि वॉरशिप जा सकती है, दूसरे देश के जा सकती है, उसको किसी को आने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, कोई तरह की परमिशन यहाँ पे नहीं चाहिए। और हाई सीज तो किसी का भी नहीं है, हाई सीज तो सबका है, इट्स द कॉमन एरिया। ऑलराइट, यस। हाँ अभिषेक, बहुत सारे अलग अलग चीजों की हम करते हैं। नहीं जोचना, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो 200 नॉटिकल माइल होता है। हाई सीज का एग्जांपल, अच्छा अगर आप मैप देखते हो इंडिया का तो ये इंडिया श्रीलंका हो गए, यहाँ पे बहुत बड़ा समंदर है ना, ये किसी का भी नहीं है, ये कॉमन है सबका, ये हाई सीज हो गया। ठीक है, हाँ इंडिया और श्रीलंका का क्या होता है, आपस में कोलाइड करता है तो हम दोनों को प्रोपोर्शनेटली बांट देते हैं, इतना आप रख लो इतना आप रख लो, तो बी डिवाइडेड प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, हाय अनुष्का, वेलकम टू द क्लास। जोचना, शिवानी, अनुभव, हिमांश, मोहिनी, जया, देव, सौम्या, यूजर एंड रिया। ओके, डी को समझते हैं। यस, देखो ये क्या बोल रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 12 इयर्स ऑफ एज हु हैज नॉट अटेंड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। ऐसी कोई भी चीज को ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो 12 साल से कम उम्र का बच्चा करता है, अगर उसके पास उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो समझ सके कि वो जो भी एक्शन कर रहा है उसका नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि आपका, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका नेचर और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो, यू विल नॉट बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस।
एंड यू आर 12 बिलो 12 इयर्स ऑफ एज। अब हिमेश ने क्या करा, एक गोल्ड की रिंग चुराई जो कि 5000 रुपए की थी, है ना, उसको 2000 रुपए में बेच दिया और पूरे पैसे को अपने पास रखा। अब देखो यार, ये 12 साल से कम का तो है, लेकिन एक बच्चा चुरा ले यहां तक समझ में आता है, उसको सेल कर दे, पैसे को मिसअप्रोप्रिएट कर दे, इसका मतलब बच्चा समझदार ज्यादा हो चुका है। और अगर वो समझदार हो चुका है तो ही विल नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस लॉ, इस लॉ में उसको प्रोटेक्ट थोड़ी ना करेंगे। तो हिमेश वुड नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर द प्रिंसिपल स्टेट अबव बिकॉज हिज एक्ट शोज दैट ही वाज सफिशिएंटली मैच्योर टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट। क्योंकि प्रिंसिपल से सीधे समझ में आ रहा है कि उसको समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। अंडरस्टूड गाइज, क्लियरली समझ में आ रहा है आपको ये वाला? Yes, okay, moving on to the next question. देखते हैं। ऑलराइट ज्योत्सना, वेरी गुड यार, है ना। ओहो शैलजा का फिजिक्स का पेपर हो गया। अनुभव शिवानी, वेरी नाइस। हिमांश मोहिनी, जया देव, यूजर स्वराज एंड हिमांशा। शैलजा इजी आया था फिजिक्स का पेपर, ऐसा सुना है मैंने कुछ बच्चों से, क्या ठीक गया? हाय दक्ष। तो स्टेटमेंट बोल रहा है, नेसेसिटी नोज नो लॉ, दैट वेर एवर देर विल बी अ नेसेसिटी यू कैन वायलेट सर्टेन लीगल प्रिंसिपल्स, है ना, and only when they are extremely important, extremely necessary for you to do so. Right? So necessity is a general defense in tort as well as in crime. Crime में भी हम देखते हैं कि general exception में हम necessity का principle देखते हैं, ठीक है? तो conclusion में क्या होगा? The act of a captain throwing some cargo into the ocean to save the ship from sinking is justified by the principle. That is correct. That it is justified by the principle because otherwise, अगर आप उस इंसान को नहीं फेंकते, तो फिर या आप cargo को नहीं फेंकते, तो लोग डूब जाते, है ना? Okay. Second, the act of a man out of poverty and starvation stealing some food from a hotel is justified by the principle. ये नहीं है, है ना? क्योंकि यहाँ पे और भी तरीके थे, आप खाना लेकर के आ सकते थे, ठीक है? Yes, cargo का मतलब होता है सामान लोगों का, ठीक है? Three, the act of a tourist killing a tiger when it was attacking a villager is justified by the principle. Again, it is justified by the principle. So only conclusion one and two follow. Okay.
ज्योत्सना अनुभव जया देव शिवानी हिमांश मोहिनी स्वराज मीमांशा एंड यूजर वेरी वेल डन वेरी गुड। चलो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। ठीक है कि अगर आपने जस्टिस डिले कर दिया तो जस्टिस डिनाई कर दोगे और जस्टिस में हरी कर दी थोड़ी सी तो जस्टिस बुरी हो जाएगा। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मोर देन 3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन द इंडियन कोर्ट्स, कि इंडियन कोर्ट्स में 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या होगा, पीपल आर नॉट गेटिंग जस्टिस इन इंडिया, ये तो नहीं होगा है ना। हाँ तो 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, इसका ये तो एक एग्जाम्पल हो सकता है कि 4 करोड़ केसेस हमने खत्म कर दी हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि लोगों को कर होता है ना। ओके अच्छा, एंड मोर देन 3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन द इंडियन कोर्ट, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो पीपल आर नॉट गेटिंग जस्टिस से फर्क नहीं पड़ा। डिस्पोजल ऑफ केसेस बाय फास्ट ट्रैक कोर्ट रिजल्ट इन इनजस्टिस, डिस्पोजल ऑफ केसेस बाय फास्ट ट्रैक कोर्ट रिजल्ट इन इनजस्टिस जरूरी नहीं कि प्रोसीजरल सेफगार्ड तो सारे हम यूज करेंगे। केसेस मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ रीजनेबल टाइम, ये बात तो सही है कि केसेस को हमको क्या करना चाहिए, एक रीजनेबल टाइम में डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ऑलराइट ठीक है गाइस, तो इसी के साथ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास, लेट्स क्रैक इट अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। Have a great day and we'll meet again tomorrow. Sorry, tomorrow क्या? अभी तो हमारी और क्लासेस बाकी है, है ना? तो 10:30 पे हम मिशन के लिए मिलेंगे ना दोस्तों? Yes. Oh, है ना? उसमें क्या डाउट था आपका? अच्छा, and guys, if you have any doubt, I am staying here for another few minutes. मैं यहीं पे रहूँगा आप लोगों के साथ, है ना? तो आप लोगों का अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछो आप लोग। मोहिनी यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी क्लासेस, यहाँ पर आपको मैथ्स की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। स्वराज एक बार रिपीट पे देख लोगे क्या, और अगर फिर डाउट हो तो फिर पूछो। हैप्पी होली गाइस। ठीक है एक बार रिपीट पे देख लेना, अगर कोई डाउट हो उसके बाद भी तो आप पूछ सकते हो, कुमकुम कर सकते हो। नहीं नहीं अलग होगा ज्योत्सना, दोनों का सिलेबस में अंतर होता है।
Wait, just a second, guys. दोस्तों आपका कोई भी डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हो. जेरिफा Guys, if you have any doubt,
Thank you.
Mm-hmm.